नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे काल सर्प दोष क्या है। इसके नाम से लोग डर जाते हैं कि जीवन में मानो आपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता है। वैसे वास्तविकता यही है कि ऐसे लोगों का जो जीवन होता है काफी संघर्षमय होता है, काफी कष्टकारी होता है, लेकिन हर किसी न किसी चीज का उपाय करके उसके गुणों की जो अधिकता है कमी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ के तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा, जीवन रेखा हमारे जीवन के होने वाले घटना क्रम के बारे में बताती है। इसी प्रकार से ये मंगल के क्षेत्र से चलकर ऊर्ध्व मंगल की तरफ जाने वाली रेखा को हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं, विचारों की रेखा कहते हैं। इसी प्रकार से बुध के क्षेत्र से चलकर गुरु के पर्वत की तरफ जाने वाली रेखा को हम हृदय रेखा कहते हैं, जिसको कि प्रेम की रेखा कहते हैं। सबसे पहले काल सर्प दोष क्या है। कहते हैं ना कि इंसान को झकझोर के रख देता है, उसकी पूरी लाइफ खराब करके रख देता है। लोग डरते हैं, तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। इसका वास्तविकता जीवन के साथ दुख और परेशानी के साथ वास्तविक होता भी है। अगर हम वास्तविकता की बात लेते हैं, जैसे कि हम कुंडली के भाव में देखते हैं राहु और केतु के मध्य में अगर सारे ग्रह आ जाते हैं तो उसको हम काल सर्प दोष कहते हैं, और इसको एक बड़ा हवा भी लोगों ने बना के रखा है। लेकिन कुछ इसमें ऐसी स्थिति बनती है जो कि बेहतर भी होती है। आइए अपने हाथों पर देखते हैं क्या होता है काल सर्प दोष। सबसे पहले हम जीवन रेखा से, अब ये हमारी जीवन रेखा है, अगर जीवन रेखा में दो मुंह बन जाए, ऐसी तरह की दो मुंह रेखा बन जाए और यहां से चले, और ये जीवन के स्टार्टिंग पॉइंट से इंसान का स्वास्थ्य खराब रहता है, उसकी मन की स्थिति खराब रहती है, और उसके हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग से लेके अगर ये लास्ट वाले पॉइंट पे भी ऐसे बनते हैं ये पॉइंट, तो अच्छा नहीं माना जाता है। पैसे की दृष्टि से, सेहत की दृष्टि से उसका जीवन में काफी कष्टमय बना रहता है। इसी प्रकार से ये मस्तिष्क रेखा भी, और ये लास्ट में ऐसी से बना ले यहां पे, तो मन के विचारों में कमी होती है, माइंड से रिलेटेड वो इंसान को झकझोर के रख देती है। ऐसे लोगों का जो गुस्से का भाव अगर हम कहें तो ज्यादा बनता है, बात बात में गुस्सा हो जाना, बात बात में अपने काम को बिगाड़ लेना, क्योंकि ऐसे लोगों का जो काल सर्प दोष का अंश माना जाता है। और इसी प्रकार से हृदय रेखा के बीच में, और ये हृदय रेखा के बीच में भी ऐसा बनता है, तो ये मन की अधिकता को बताती है। ऐसे लोगों जो होते हैं ना, दिल के हम कह सकते हैं मरीज हो सकते हैं, और मन की स्थिति इनकी खराब रहती है, और बात बात में इनको गुस्सा भी आता है, बीपी की प्रॉब्लम आती है, और इनको हम कहते हैं दिल की बीमारी का भी संकेत बताता है। इसी प्रकार से ये भाग रेखा चलती है, और यहां पे भी ऐसा बन जाता है, ये योग ऐसा यहां पर भी बन जाता है, ये सांप की तरह के मुंह की तरह इसका आकार बन जाए। ऐसे लोगों को जीवन में व्यवसाय से रिलेटेड चीजें, जो भी व्यवसाय करते हैं सफलता नहीं मिलती है उसमें हर स्थिति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कामकाज की स्थिति ना के बराबर हो जाती है। इसी प्रकार से ये सूर्य की रेखा के ऊपर
ये सर्पाकार बने, ये इसका जो हो ना मुंह ऐसे सर्पाकार बन जाए, ऐसे लोगों को मान सम्मान पाना, फेमस नहीं मिल पाना, सरकार के क्षेत्र पे असफलता दिखना, मतलब जो भी हम अच्छे कार्यों की सराहना करते हैं उन चीजों में हमेशा निरर्थक ही बात आपके सामने आएगी। सरकार के क्षेत्र में सरकारी नौकरी न मिल पाना, इन सारी चीजों को दर्शाता है, ये काल सर्प दोष का कारण बनता है। इसी प्रकार से ये बुध के पर्वत के ऊपर, ये बुध के पर्वत के ऊपर ये दोष जैसे बोलीवाणी को बेकार कर देता है, बिजनेस के क्षेत्र को बेकार कर देता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र को बेकार कर देता है। ये मतलब जब भी बनता है ये जिस भी पार्ट के ऊपर ये काल सर्प दोष को ही दर्शाता है। और कई तरह से क्या होता है कि काल सर्प दोष हमारे यहाँ पे भी अगर ऐसा बनता है या हाथ के किसी भी ऐसी जगह पे सांप के तरफ इसका जीवा होता है, अगर ये होता है किसी भी पार्ट के ऊपर तो उस पार्ट के भाव को नुकसान करता है और इसका निदान किया जाता है। और अगर ऐसे आपके हाथ में बनता है ये चिन्ह तो आप समझ लें कि आपके हस्तरेखा के माध्यम से ये काल सर्प दोष को ही दर्शाता है। और दूसरी बात, इसका निदान हम कर सकते हैं, उपाय हम कर सकते हैं। कहते हैं ना कि अगर हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, जैसे कि एक नाग पंचमी के दिन अगर आप भगवान शिव के मंदिर पे जाके वहां पर जला अभिषेक करते हैं तो इससे काफी छुटकारा मिल जाता है। नहीं तो आपको शिवरात्रि के दिन जब भगवान शिव की रात्रि आती है उस दिन भी आप अगर जला अभिषेक करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं तो इस कष्टों से आपको निजात मिलता है। अगर इन दोनों समय में भी आप नहीं कर पाते हैं तो भगवान शिव का जो दिन होता है सोमवार होता है, अगर सोमवार के दिन भी आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, उनको विधि विधान से अगर आप करते हैं तो इनके दोषों में जो आने वाले कष्ट है उसमें कमी आपको महसूस होगी और इससे निजात भी मिलेगा। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।